मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वाला फर्टिलाइजर जो गर्मी के दिनों में हमारे प्लांट को जलते मरते सूखते और फंगस वगैरह लगता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत अच्छा काम करे। इसमें मैं एक चीज़ और मिलाऊंगी आजकल के जो कि हमारे पौधों को नया जीवन देगा, ठंडी खाद देगा, उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा किस तरीके से डालना है, कैसे इस्तेमाल करना है वो आप लोगों के साथ से। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आजकल गर्मी काफ़ी हो रही है, हमारा गार्डन काफ़ी जल रहा है, पत्तियां जल गई, लीव जल गई, लेकिन घबराइए मत। अगर मेरे पास भी नहीं है, अगर आप छाया है या नेट लगाते हो तो अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जब प्लांट अभी वर्षा होने लगेगी तो उसके बाद हम पुरानी जली हुई लीव्स को हटा देंगे और उसके बाद हमारी उसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, कुछ स्वास्थ्य कारण हो गए थे जिस कारण कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सही हूँ, दवाई चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ दोस्त ने जो है मुझे ना सुपर चैट्स भेजा था, उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प करा, और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये एलोवेरा हमने ले रखा है, एलोवेरा को हम किस तरीके से अपने गार्डन में यूज़ करते हैं, ये कितना सुंदर मेरा हो रखा है। अगर हम इसको नर्सरी में भी आसानी से मिल जाता है, इसको आसानी से ग्रो भी हो जाता है, इसको निकालें एक तो ये छोटा सा मेरे पास से वो था, मैं इसे हटा ही नहीं रही हूँ, इसमें बहुत सारा घना है इसलिए ये पतला हो रहा है। अगर हम एक को अलग लगाए तो मोटा होता है, बड़ा होता है, ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है, मैंने इसको इसी तरीके से बनाया है। दूसरा, एलोवेरा को ना छाया में रखना चाहिए, अगर आप धूप में रखोगे तो ये पीला हो जाएगा, तो ज़्यादा घने होने की वजह से ये पतला हो रखा है, लेकिन ये लगता मुझे बहुत सुंदर है। मेरे पास और भी हैं, मैंने उन्हें दोस्तों ये एलोवेरा का, हम सबसे पहले आप एक गार्डनर हो तो एलोवेरा ज़रूर अपने गार्डन में रखिएगा। इसका इस्तेमाल जब हम आप कोई बीज हम ग्रो करते हैं ना, बीज बोते हैं, तो उसमें अगर आप एलोवेरा का जेल बना के 1 लीटर पानी में 10 ml जेल बना के घोल के जब सीड ग्रो करते हो उसमें उसका पानी डाल दोगे, तुरंत आपके सीड्स ग्रो होंगे, 100% सीड ग्रो होंगे। दूसरा इस्तेमाल क्या होता है कि हम इसका जब कटिंग, कोई भी कटिंग आप लगाते हो, इसके जेल में कटिंग को कुछ मिनट तक डुबाए रखें उसके बाद लगाएं, या फिर इसके टुकड़े करके कटिंग को उसमें लगा के इसको कट करके कटिंग पे इसको ऐसे ही कटिंग इसमें डाल के इसको मिट्टी के अंदर ऐसे ही रोपित कर दें तो आपकी कटिंग तुरंत लग जाएगी। तो ये रूटिंग हार्मोन्स का बहुत अच्छा काम करता है, ये ऑर्गेनिक एक नेचुरल अपने आप में फर्टिलाइजर है, इससे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे प्लांट को हेल्दी बनाता है। तीसरा, इसका यूज़ क्या है, जब आपके प्लांट में फंगस लगता है, हमारे प्लांट में फंगस लगता है, रूट्स में भी फंगस लगता है, प्लांट सूखने लगता है, या फिर हमारे प्लांट के लीव्स में फंगस लगता है, तो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। तो इसका जेल बना के आप 1 लीटर पानी में वही 10 ml या फिर बड़ी वाली कैन में 50 ml या 1/2 कप इसको मिला करके अगर प्लांट की सॉइल में डालें और प्लांट पर स्प्रे करें तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं इसके। और दोस्तों इससे जो है ना हमारा गार्डन में कीड़े मकोड़े वगैरह का भी प्रकोप ज़्यादा नहीं होता। और दोस्तों और इससे क्या होता है, जब हम इसका आप लिक्विड बना के कुछ भी अपनी मिट्टी में हम डालते हैं तो हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है, हमारी मिट्टी की जो है उसमें माइक्रोब्स जो है कई गुना बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा हमारे प्लांट के लिए होता है। और ये इसकी तासीर ठंडी होती है, आजकल आप देखो शहरों में बड़े बड़े हमारे यहाँ पे इसका जो जेल होता है ना अंदर से को छील के इसका जेल निकाल के उसका जूस पिया आता है गर्मियों में, बहुत अच्छा इसका जूस। अगर नहीं बनाते तो जेल निकाल के ग्राइंड कीजिए, नींबू काली मिर्च मिलाइए, ठंडा बर्फ मिलाइए, इसका जेल पीजिए, आपके पेट के लिए शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा, लू से बचाएगी, बहुत ही बेनिफिशियल हमारे लिए भी ये होता है, वो तो सभी जानते हैं, बाल के लिए, हड्डी के लिए, हर चीज़ के लिए, उसी तरीके से प्लांट के लिए भी बहुत ही हमारे यूजफुल होता है। इसमें मैंने एक चीज़ और मिलानी है, वो क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। अब हमें प्लांट में इसको किस तरीके से करना है, देखिए आजकल प्लांट फ्लावर तो सब बहुत सारे हैं, हर किसी की हम लाइट कटिंग करते हैं या प्लांट को हम दोबारा फ्लावरिंग के लिए तैयार करते हैं, तो उसमें हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे करना है प्लांट को वो बताती हूँ। मोगरा, गुड़हल, गुलाबी हर किसी के पास होते हैं, प्लांट तो कई सारे हैं दोस्तों, लेकिन आजकल मोगरा जो है फ्लावरिंग टाइम बिल्कुल बहुत ज़्यादा है मोगरा का, तो आपको दिखाती हूँ कि पहले मोगरा को हमें किस तरीके जल्दी से मोगरा के प्लांट पे या गुलाब के प्लांट में किस क्या करना है हमें। देखिए गर्मी बहुत हो रही है, अभी हमारे यहाँ पर 42 सुबह का टेम्परेचर 42 हो रहा है, दिन में 44 तक चले जाता है, बहुत ही गर्मी हो रही है। तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मोगरा का प्लांट है, आप लोगों ने मेरी इसमें वीडियो देखी होगी, बम्पर फ्लावरिंग हुई थी, जिन लोगों ने नहीं देखी ना आप देखिएगा, और जो मैं करती हूँ वही आप भी करेगा, आपकी बम्पर फ्लावरिंग होगी। बहुत से दोस्तों ने लिखा था कि हमारे फ्लावर आना तो दूर, हमारे प्लांट तो न्यू ग्रोथ करता ही नहीं, इसलिए जब हम प्लांट को अब दोबारा तैयार करते हैं ना तो जो मैं लिक्विड सॉल्यूशन आज बनाने वाली हूँ ना, ये इतना ज़रूरी है पौधों के लिए ना, नई नई ग्रोथ आपके पौधों में आएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फटाफट इनकी हम अगर टिप कट कर देनी है,
जहाँ पर से हमारी टिप कट होगी ना, वहाँ पर से हमारा प्लांट नई नई ग्रोथ निकालेगा। ये पुरानी टिपों में फ्लावरिंग नहीं होगी, नई फ्लावर नहीं आएगी। एक बार अगर फ्लावरिंग हो चुकी है तो जब तक हम इसे कट नहीं करेंगे, कट करेंगे और इसमें नई नई शाखा आएंगी, उसी में फ्लावर आता है दोस्तों। पुरानी वाली शाखाओं में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो मैं आपको इतना ही दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप इसको कट कर दिए, जहाँ पर बराबर बराबर लेवल में करिए। अभी आपको हार्ड कटिंग नहीं करनी है, लाइट कटिंग करनी है, क्योंकि मोगरा का पीक टाइम है। हार्ड कटिंग कर दोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अभी हार्ड कटिंग नहीं करनी है। अक्टूबर के बाद मोगरा फ्लावरिंग नहीं देता है, उसके बाद कीजिए, फिर तो सीधा अप्रैल में जाके मोगरा फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम काट देते हैं दोस्तों। इसी तरीके से ये गुलाब है, ये गुलाब के फ्लावरिंग हो चुके हैं, जल नहीं। गुलाब फ्लावरिंग तो प्लांट करता ही है, लेकिन गुलाब जल रहा। वैसे गुलाब जो है विंटर का फ्लावर है, अभी अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप कट कर लीजिए, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, उस तभी आपकी अच्छी अच्छी नई नई ब्रांचें आएंगी, शाखाएं आएंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको भी कट कर लेना है। इस तरीके से जब कट करेंगे तो ही गुलाब में न्यू न्यू शूट्स या न्यू न्यू शाखाएं आती हैं। ये मैंने एलोवेरा ले लिया है, कितना भी आप एलोवेरा ले लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके डालने का मैं बताऊंगी। इसको हम थोड़ा महीन कट कर लेते हैं एलोवेरा को, ठीक है। इस तरीके से इसे आप कट कर लीजिए। इसमें जेल जो है ना, ये जेल होता है, और इसको हमें एक चीज़ और मिलाएंगे, हमें ग्राइंड करना है, और पानी इसमें हमें बिल्कुल नहीं मिलाना है, क्योंकि ये खुद ही लिक्विड इसका हो जाएगा। अब ये देखिए, इसके मैंने बता, इसमें अगली चीज़ में क्या मिलाने वाली हूँ, मैंने जो कंपाउंड बना रखा है दोस्तों, मैं क्या, ये है एक प्याज मैंने ले रखा है। अब प्याज के बारे में भी मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, प्याज में जो है ना, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन फास्फोरस सबसे ज़्यादा होता है। और फास्फोरस जो है ना, हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए, रूट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट के बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे ना हमारे प्लांट में, इससे भी जो है हमारा जो पौधा है ना, जो ये कॉम्बिनेशन मैंने बना रखा है ना, इसका जब हम स्प्रे करेंगे, आप कटिंग करते हैं, लाइट कटिंग करते हैं, ये ना हमारे प्लांट में कल्ले ज़्यादा निकालता है, कल्ले फूटता है। हमारा प्लांट जब हेल्दी होगा, हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगेगा, कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, रूट्स अच्छी होंगी, रूट्स भोजन अच्छी बनाएंगी, शाखाएं अच्छी बनेंगी। तो इसमें जो क्या है ना, इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है, सल्फर जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है, जब उसके प्लांट में इसको क्रिया करता है, प्लांट में स्प्रे करेंगे, डालेंगे, प्लांट हेल्दी होते हैं। तो हमारे जो आजकल के मरते प्लांट हैं वो भी अच्छे होंगे। गर्मी के सीज़न में आप जानते हो कि प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है इससे, तो ये बहुत अच्छी मेरा ये कॉम्बिनेशन है ठंडी खाद बनाने का। तो मैं इसको डालती हूँ और बहुत अच्छा मुझे 100% रिजल्ट मिलता है, इसलिए मैं इसका बना रही हूँ और आप लोग भी इसको बनाइएगा। तो ये है, और इसको मैं ग्राइंड करूँगी। भाई साहब, ग्राइंड बिल्कुल जेल जैसा हो जाता है। मेरे पिछली वीडियो दोस्तों, अपने लहसुन मैंने इससे पहली जो वीडियो डाली है उसमें दिखाया है, और मैंने लहसुन को ग्राइंड किया था। कोई लोगों का कमेंट था कि लहसुन में इतना लिक्विड तो निकलता ही नहीं है। अरे आप ग्राइंड करके तो देखिए, जब हम किसी को ग्राइंड करते हैं, उसके बाद कपड़े से छानना, उससे कितना लिक्विड निकलता है आपको पता चलेगा। ये देखिए, अब मैं इसको, ये छोटा वाला जार है, महीन जार है, इसमें इसको ग्राइंड करके लाती हूँ, देखिएगा कैसे ये लेप बन जाता है। तो ये देखो, ये मैं ग्राइंड करके लेके आई हूँ। ये देखिए, इसे मैंने बिल्कुल पानी नहीं मिला रखा है, क्योंकि ये ग्राइंड, इसको जेल है, प्याज में कितना सारा पानी होता है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये मैंने अभी इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए कितना गाढ़ा ये हमारा जेल बन गया, एक टुकड़ा से पिसा नहीं है, महीन हो जाता है ये वाले जार में। तो दोस्तों, इसको डालना कैसे, जब मैं सॉइल में, मिट्टी में डालती हूँ ना, तो मुझे इसको छानने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं छानती हूँ इसको, ऐसी डालती हूँ, कोई नुकसान नहीं होता। तो ये एक लीटर पानी है, इसमें करीब 10 ml हम इसमें डाल देंगे। ये देखो, एक चम्मच और दो चम्मच, ये 10 ml के करीब हो जाता है। ये इस तरीके से इसको मिला लीजिए, और इस तरीके से हमें डालना है इसको। और अभी मैं आपको स्प्रे कैसे करना है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए इसको डालते हैं पहले। ये मेरा गुलाब का प्लांट है, तो ये गुलाब में मैं इसको डाल देती हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छा हमारे गुलाब में काम करेगा। ये देखिए, ऐसे 50-50 ml करीब, 100 जितना भी आप डाल जाता है, 100-200 ml करीब। ये देखिए, ये देखिए, एक लीटर पानी को मैंने ये चार में डाल दिया, इतना हम इसमें डाल देंगे। और ऐसे ही मोगरे में डालेंगे, हर प्लांट में ऐसे डालेंगे। और मैं स्प्रे करती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है यार, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, सच में पूछते पूछते परेशान हो गई हूँ। तो अब मैं स्प्रे करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जब हम स्प्रे में डाल लेना, तो स्प्रे का हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि वो फस खराब हो जाता है। तो इसमें डालने के लिए देखो हमें क्या करना है, ये कपड़ा ले लिया है मैंने, और इसमें ना चार चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ, 5 हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे जो भी कितना कुछ भी हो जाएगा। आप देखें ना, इसको निचोड़ लेते हैं ऐसे, ये देखें, कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई ख़राब करने की चीज़ें नहीं है। आप लोग क्वांटिटी पूछते हो इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं तो बिल्कुल अपने देसी नुस्खों से ऐसे ही डालती हूँ, करती हूँ, मैं कोई काउंटिंग नहीं करती हूँ। आपको मैं दिखाने के लिए इसको काउंटिंग कर रही हूँ। ये देखें,
ये निकल गया है रेशा हमारा, जो रेशा कि हमारे इसमें फंसे ना, तो इसको हम इधर रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये हमारा ये लिक्विड मैंने 20 ml के करीब निकाल दिया है 1 लीटर पानी में। ये देखें अभी 1 लीटर पानी है, इसमें हम इसको मिला देंगे ये देखें, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने स्प्रेयर में। देखिए इसमें डाल देते हैं, इस तरीके से। तो चलिए अब करते हैं हम इसका स्प्रे प्लांट में। अब हम स्प्रे करते हैं, ये देखिए ये मैंने कुछ कटिंग करी, अभी मैं फिट कर लूंगी, अभी देर हो रही थी। तो इस तरीके से अपने प्लांट को ना पूरा इसको नहला दो, ये सारे प्लांट, और ये कटिंग करा है इसीलिए नहीं, देखिए सब में, ये देखिए ये चमेली का फूल है, ये इसमें गुच्छे बन रहे हैं, ये सावनी है। आप देखिए गर्मी में सावनी कितना अच्छा होता है, पिंक व्हाइट मेरे पास ये कलर है। सारे पौधों के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर है, फंजीसाइड का काम करता है, गर्मियों में हमारे प्लांट को बचाएगा। तो हरे प्लांट में कर दीजिए, लेकिन जब आप कटिंग शटिंग करते हो तो ये तो जरूरी कीजिए कि आपके उसमें नई नई ग्रोथ होगी, और ये प्लांट में कल्ले जरूर नए नए फटेंगे, और जो है हमारा जल्दी जल्दी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी हमारे प्लांट में दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से डाल दिया है। इसी तरीके से गुलाब किसी भी प्लांट और सब्जी वर्गीय प्लांट में, बेल वर्गीय प्लांट में, लौकी कद्दू घिया आपने लगाया है उनमें भी फंगस की प्रॉब्लम जा रही, उनमें किसी में भी हो आप उसको लगा के डाल सकते हो। और इसका मैंने बायोएंजाइम बनाने की वीडियो भी बनाई है, जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं इस वीडियो में लिंक डाल दूंगी, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर रखती हूँ, गर्मी से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा देखिए गर्मी हो रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी ऑर्गेनिक वीडियो देखने के लिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिए इतनी गर्मी में।